राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और सेव चिल्ड्रन की ओर से फुटपाथ पर रहने वाले और सड़कों पर कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में इन बच्चों की देखभाल करने और उन्हें सुविधाएं देने पर विचार विमर्श किया गया। आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने बच्चों के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं के बारे में बताया। कार्यशाला में बाल अधिकारों पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। बच्चों के लिए आज बहुत बड़ी ताकत मिलने वाला दिन है, क्योंकि बेटों के साथ में बेटियां भी सड़कों पर रहती हैं और स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, कोई भिक्षावृत्ति में है, कोई क्या है। हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, तो स्मार्ट सिटी क्या है? जब बच्चे सड़कों पर हैं तो वो स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएगा। इसलिए भारतवर्ष में पहली हिंदी की SOP लॉन्च आज हुई है नवरात्रों के दिन में ही। तो बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो बाल आयोग ने सेव द चिल्ड्रन के साथ में मिलकर किया है। राष्ट्रीय बाल आयोग के द्वारा 8 स्टेट्स में ये पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन इंग्लिश में। राजस्थान में ये हम लोगों ने सोचा कि जिन बच्चों के लिए हम बना रहे हैं, जिनके लिए बना रहे हैं, जो कभी स्कूल भी जा पाते भी हैं नहीं भी, तो उनके लिए हिंदी में हो। और सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर किस तरीके से काम करें, जो भिक्षावृत्ति में बच्चे हैं, जो चाइल्ड लेबर में बच्चे हैं, जो फुटकर काम कर रहे हैं, जिनका अपना नाम और अपनी पहचान नहीं है, उन बच्चों के लिए एक स्ट्रीम गाइडलाइन।